हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भाजने की चकली किस तरह बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे भाजने, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। मिर्ची पाउडर 3 चम्मच, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं इसमें, और स्वादानुसार नमक, अजवाइन, हींग लिया है आधे छोटी चम्मच, और तिल, और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। आप ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लिया है, तो 1/4 कटोरी यहाँ पे पानी लेंगे, और ये मशीन लगेगी हमें चकली निकालने की। और पैन मैंने गरम करने के लिए रखा है, इसमें डालते हैं पानी, और इस गैस पे हम रखते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच छोटी चम्मच तेल लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, और इसे बॉईल होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तेल पहले हम पानी में डाल देंगे। तेल हमें बॉईल पानी में नहीं डालना है, पहले ही डालना है। अब इसमें डालते हैं नमक, हींग आधी छोटी चम्मच, और ये तिल, ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। ये अदरक और लहसुन की पेस्ट, और इसे एक बॉईल आने देते हैं। अभी हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छे से मिक्स करके आप इस पे ढक्कन रख दीजिए। इसे मैं 15 मिनट रखती हूँ, और एक गैस है, 1 मिनट के बाद मैं बंद करती हूँ। परफेक्ट, हमारी उकड़ बहुत ही बढ़िया बन गई है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा पानी का हाथ लेके इसे इस तरह हम मलेंगे। इस तरह हम पूरा आटा इस तरह बना लेते हैं पहले। परफेक्ट हमारी उकड़ बन चुकी है, बस इसी तरह आप बनाइए। मैं इस तरह पूरा कर लेती हूँ। इस तरह सारा आटा मैंने गूंथ लिया है, इस तरह हमें चाहिए, इतना नरम, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं। अभी हम इस साँचे में थोड़ा तेल लगा लेते हैं, ताकि हमारा आटा जो है चिपके ना।
आप इस तरह का साचा लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से हाथ नहीं दुखता, इससे फटाफट हो जाता है, इससे लॉन्ग लाइफ है, ख़राब भी नहीं होता है। इस तरह इसे बंद कर दीजिए और इस तरह कोई थाली में आप आपको छोटी बड़ी जैसे चाहे वैसे चकली आप बना सकते हैं। और एक मैं बताती हूँ, बहुत इजी हो जाता है इसे बनाना। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे पहले अच्छे से नीचे से हम होने देंगे, बाद में इसको पलटेंगे। बिल्कुल जल्दी नहीं करना है पलटने में। अभी हम इसे पलट देते हैं, थोड़े बुलबुले कम हो जाए इस तरह से। इस तरह का चम्मच आप यूज करिए और ये साइड भी अच्छे से होने देते हैं। इस तरह का थोड़े बुलबुले कम हो जाए मैं आपको बताती हूँ। पूरे कड़क अच्छे से हो गई है, बहुत क्रिस्पी हो जाती है। और एक बार डाल के दिखाती हूँ। जब भी हमारी भाजनी परफेक्ट हो जाती है तभी हमें डालने में भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम डाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।